जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हिलाल राठर की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हिलाल राठर, जो कि पूर्व वित्त मंत्री और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल रहीम राठर के बेटे हैं, जिनके खिलाफ 177 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस जो है वो चल रहा है, सीबीआई प्रोब कर रही है मामले में, लेकिन वो बार बार कोर्ट में बेल प्ली दायर करते हैं, कभी एक कारण से कभी दूसरे कारण से ये कोशिश करते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिल सके। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक फ्रॉड केस में हिलाल राठर के खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी उन्होंने जो है बेल के लिए अप्लाई किया था, ये कहते हुए कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा उन्हें जेल में रहते हुए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर है, ये वो कहते हुए उन्होंने बेल जो है बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि जेल में रहने से उन्हें कोरोना वायरस का खतरा कम है, अगर वो बाहर आएंगे तो खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा अब दोबारा से उन्होंने कोर्ट में बेल प्ली जो है लगाई है, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जेल्स हैं पूरे भारत में उन्हें डीकंजेस्ट किया जाए, तो इसे बेसिस बनाकर उन्होंने दोबारा से बेल के लिए अप्लाई किया, और ये भी कहा कि वो क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसीलिए उन्हें बेल दे दी जाए। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के बिहाव पर एडवोकेट मोनिका कोहली ने पेश होते हुए ये कहा कि जेल अथॉरिटीज़ ने ऐसी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी है जिससे हिलाल राठर का ये क्लेम कि वो फिजिकली फिट नहीं है, कि वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कि उन्हें बहुत सारी मेडिकल एलिमेंट्स है, जिससे वो क्लेम जो है वो सब्सटैंशिएट हो जाए, जिससे वो क्लेम साबित हो जाए, ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हिलाल राठौर की बेल को एक्सेप्ट कर लिया जाता, उन्हें बेल दी जाती है, तो ये केस में जो प्रोब चल रहा है उसमें एक अड़चन का काम करेंगे, क्योंकि वो विटनेसेस के साथ टैम्पर कर सकते हैं। इसी को कंसिडर करते हुए जो बेल प्ली है उसे जस्टिस पुनीत गुप्ता ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि हिलाल राठर, जो कि पुत्र है पूर्व जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर के, उनके खिलाफ 177 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस जो है वो चल रहा है। उन्हें जनवरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है अरेस्ट किया था, उससे और उनके घर पर जून 2019 में उन्हें अरेस्ट जनवरी 2020 में किया गया था। जून 2019 में उनके घर पर और उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड्स भी कंडक्ट की थी। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं लोन मिसअप्रोप्रिएशन के और इनकम टैक्स इवेजन के। मार्च 2020 में ये केस जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया तो उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर दी। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं कि पैराडाइज एवेन्यू, जो कि एक मिनी टाउनशिप है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिए थे। जो वो प्रोजेक्ट था जो टाउन मिनी टाउनशिप का पैराडाइज एवेन्यू, वो नरवाल में कंस्ट्रक्ट होना था, और उसके बारे में ये कहा गया है कि वो एक पार्टनरशिप में था पूरा प्रोजेक्ट। जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई तो ये मालूम चला कि हिलाल राठर के साथ साथ जो है और भी डॉक्टर रिजवान रहीम दर, गुलाम मोहम्मद भट्ट, दलजीत वडेरा और दीपशिका जम्वाल, ये सारे उस जो मिनी टाउनशिप प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व थे, पार्टनरशिप पे ये प्रोजेक्ट था। और एक जो लोन है वो सैंक्शन किया गया था इन्हें, इनिशियली 74.27 करोड़ का लोन जो है वो फर्स्ट फेज में दिया गया, और बैंक की जम्मू कश्मीर बैंक की क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करते हुए ये पहला जो फेज का लोन है ये इन्हें दिया गया, और उसके बाद भी 40 करोड़ रुपये और उन्हें दिए गए। साथ ही में ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस लोन को अप्रूव किया डिस्पाइट द फैक्ट कि हिलाल राठर ने ऑलरेडी जो है वो एक वन टाइम सेटलमेंट स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ की थी पहले ही, उनकी यानी कि पहले की क्रेडिट हिस्ट्री को ध्यान में ना रखते हुए ये लोन जो है उन्हें दिए गए। इसीलिए जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ ऑफिशियल्स भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस केस में चल रही है। साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि कोई फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं किया गया, इसी के चलते जो है उनके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है, और चूंकि वो अरेस्टेड हैं इसीलिए वो बार बार बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जस्टिस पुनीत गुप्ता ने उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। और सीबीआई का प्रोब जो है इस मामले में ऑलरेडी चल रहा है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने लोन मिसअप्रोप्रिएशन किया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही, और भी कोई खबर होगी आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।